नमस्कार। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले लक्ष्मण सिंह के बारे में। इनका जीवन बहुत ही गरीबी में गुजरा, बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा इनका। होटलों में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किए और इतने तंग हाली में जीवन गुजरा, फिर भी इन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि इनके खुद की कंपनी के 50 आउटलेट्स पूरे देश भर में हैं। 70 करोड़ का टर्नओवर है इनकी कंपनी का और 1000 कर्मचारी इनकी कंपनी में काम करते हैं। इनके संघर्ष की कहानी से अपन कुछ सीख सकते हैं कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया, बिना पूंजी के व्यवसाय खड़ा किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि 1000 कर्मचारियों को अपनी कंपनी के अंदर नौकरी दे रहे हैं। इनके बारे में जानते हैं अपन, देखिए। इनके पिता रिक्शा चलाते थे, बहुत ही गरीबी में दिन गुजरे। इनके बिजनेस करने के पास में इनको कोई पैसे नहीं थे, इनके पिता रिक्शा चलाते थे और बहुत ही गरीबी में इनके दिन गुजरे। 9th फेल हो गए थे ये, उदयपुर से अहमदाबाद गए, पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी, 9th फेल हो गए। फिर इनके कुछ रिश्तेदार अहमदाबाद में रहते थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ आ जाओ और कुछ काम वाम करो, तो फिर ये उदयपुर से अहमदाबाद चले गए। कई होटलों में काम किया, बर्तन धोना, साफ सफाई आदि कार्य किए। कई सारी होटलों में इन्होंने काम किया, क्योंकि जब ये उदयपुर से अहमदाबाद गए थे इनके पास कोई स्किल भी नहीं थी कि शायद कुछ अच्छा काम मिल जाए, तो होटलों में कोई अच्छा काम नहीं मिला इनको, सिर्फ बर्तन धोना और कुक के साथ में रहना और होटलों की साफ सफाई करना, यही काम इनको मिला। 2008 में दुकान खोली, पिज्जा बेचते थे। फिर इन्होंने धीरे 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 कुछ पूंजी सेविंग की, उससे इन्होंने 2008 में दुकान खोली और पिज्जा बेचते थे। देखिए आपने, शुरुआत में इनको सफलता नहीं मिली, दुकान बेचनी पड़ी। पिज्जा बेचते थे, दुकान नहीं चली, इनको दुकान बेचनी पड़ी, कुछ पैसे इनको नुकसान भी हो गया उसमें। वापिस होटल में नौकरी की और कुछ पैसे की सेविंग की दोबारा। देखिए आप, जब इंसान खुद की दुकान होती है, दुकान बेचनी पड़ती है और फिर वापस वही काम करना पड़ता है, तो कैसा फील, कैसा महसूस होता है। लेकिन इन्होंने वापस संघर्ष किया, वापस आगे बढ़े, वापस होटलों में काम किया, वापस वही काम किया। 2010 में रियल पेप्रिका के नाम से नया आउटलेट खोला, वापिस पैसे सेविंग की और वापिस दुकान खोली, वही पिज्जा की। किस नाम से खोली? रियल पेपरी का नाम से। लेकिन उसमें भी देखिए इनको, उसमें भी सफलता नहीं मिली। उसमें भी क्या हुआ इनका? शुरुआत में निराशा हाथ लगी, अलग अलग लोकेशन पर दुकान बदली, एक जगह दुकान खोली नहीं चली, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, हार नहीं मानी। दूसरी लोकेशन पर दुकान खोली, वहां पर भी नहीं चली, फिर वापिस लोकेशन बदली, वहां पर नहीं चली। इन्होंने कम से कम 5 बार लोकेशन बदली, 5 बार लोकेशन बदलने के बाद में फिर इनको सफलता मिली और आज रियल पेप्रिका के नाम से 50 आउटलेट पूरे देश भर में है और 70 करोड़ का टर्नओवर है, 70 करोड़ का टर्नओवर है इनके और इनकी कंपनी में 1000 कर्मचारी काम करते हैं। तो इनके संघर्ष गाथा देखिए, कितना संघर्ष किया इन्होंने जीवन में और कितनी असफलता मिली, लेकिन ये घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहे। इनका लक्ष्य था कि कभी मैं सफल होऊंगा, ये सफल होके बताएं। इसी के साथ आज यही, मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।